बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 62वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सदर सांसद प्रवीण निषाद, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी लाल यादव और जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, सांसद प्रवीण कुमार निषाद, जवाहरलाल मौर्य, दयानंद विद्रोही, सिंहासन यादव, पप्पू चौधरी, पन्नेलाल पहलवान, मैना भाई सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सदर सांसद प्रवीण निषाद और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। भारत की आज़ादी और भारत को संविधान दिलाने वाले बाबा साहब दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और पूरे देश के लिए उन्होंने एक ऐसी कृति दिया है कि जिससे हमारा देश संचालित होता है, जिससे हमें हमारा अधिकार मिलता है, सभी वंचितों को, सभी कमजोरों को उनका अधिकार मिलता है। तो आज हम लोग कृतज्ञता पूर्वक बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको याद करते हुए गोष्ठी का आयोजन किए हैं और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करेंगे। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और जो संदेश दिया था बाबा साहब ने कि देश में समता, ममता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की स्थापना करना और उनकी लड़ाई लड़े वो सभी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग और सभी जाति धर्म के लोगों के लिए जो अधिकार संविधान में लिखे गए हैं उसको पालन कराने के लिए आज हम लोग यहाँ पे संकल्प लेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद यादव जी, जिला महानगर अध्यक्ष आदरणीय जियाउल इस्लाम साहब, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आज उनका परिनिर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं और समाज को एक संदेश देना है कि उनकी विचारधारा पर चलते हुए समाज को एक नई दिशा देना है।